हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लालमणि मंडल फटाफट अंदाज में फिर से एक बार आया हूँ अपना घर रायचंद टोला गांव में, सुशील नंबर का घर के पास कोई सांप दिखा है। पता नहीं चला कौन सा सांप है, देखने के बाद पता चलेगा। तो आइए फटाफट का अंदाज में देखते हैं कौन सा सांप है, उसके बाद बताएंगे। तब तक लिए बने रहे वीडियो में। दोस्तों ये है कॉमन क्रेप, भारत के अंदर सबसे जहरीला सांप है। एक मुंडे हर 20 आदमी को मारने के लिए काफी होता है। आदमी इसको सोचता है कि धामिन है, धामिन नहीं है, कॉमन क्रेप है। कैसे ज्यादा है काटे तो झारखंड का चक्कर में ना रहे, आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके उपचार कराइए, इसका नियम है। और समीक्षकों की तरफ से यही सलाह हम लोग देते हैं। और अच्छी बात है कि मनोज दा कॉल करके बुलाया है, हम लोग को रेस्क्यू कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सांप को मारना नहीं चाहिए और सबका फर्ज है कि सांप को बचाया जाए, भारत के लिए पर्यावरण है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और नया है तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। फाइनली दोस्तों हम लोग इसको पैक कर लिया डब्बा में, अब इनको हम चलेंगे जंगल में रिलीज करने के लिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, फिर से एक बार जंगल की तरफ आया हूँ रिलीज करने के लिए। जो आज सुबह हम पकड़े थे 10 बजे, आज फिर उसको रिलीज करने के लिए लगभग 8 बज रहा है। अभी शाम का टाइम है, दिन को टाइम नहीं मिला है, इसी के कारण अभी आना पड़ा। और आइए चलते हैं उसको रिलीज करते हैं। तो दोस्तों ये कॉमन क्रेप था और जंगल में छोड़ दिए हैं। और सांप को रिलीज करने का मजा इसी टाइम मजा आता है, सुहाना हवा भी चलता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना।